नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल TNV पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने कैसे फोन की स्क्रीन को कास्ट करें अपने PC या लैपटॉप पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कास्ट करने से पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिसका नाम है मिरर गो सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को हमें इंटरनेट या गूगल से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आप पहले सेटिंग्स पे जाएं और अबाउट फोन पे वहाँ पर 7 बार टैप 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 कर डेवलपर ऑप्शन को अनेबल करें और उसमें से डीबगिंग मोड को अनेबल करें। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाके इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अपना डीबगिंग मोड वहाँ पर अनेबल कर लें और उसके बाद अपने फ़ोन में USB केबल को पोर्ट करें। तो जैसे ही मैंने पोर्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पर पॉपअप मेन्यू आ रहा है जहाँ पर लिखा है कनेक्ट। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, एक बार कनेक्ट पर ट्राई करते हैं क्या ये कनेक्ट होता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डीबगिंग मोड जो है वो अनेबल्ड है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओप्स, योर डिवाइस इज नॉट वेल कनेक्टेड। तो गाइज, यहाँ पर ये फेल हो चुका है, तो एक बार वापस से रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो चलिए उससे भी ट्राई कर लेते हैं क्या उससे ये कनेक्ट होता है। जहाँ पर वाईफाई लिखा है इस पर क्लिक करके हम लोग एक बार अपने फ़ोन में मिरर गो ऑप्शन पर जाके इसको स्कैन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं अभी स्कैन कर रहा हूँ, तो जैसे स्कैन करते ही मेरे डिवाइस का नेम यहाँ पर अपीयर हो गया। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टिंग 80% 90% हो रहा है, लगभग हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं। चलिए मैं वापस से कोशिश कर लेते हैं, रीट्राई कर लेते हैं। छोटे से एरर के कारण मैंने उसको वापस से प्लग इन किया है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं गाइस। वैसे ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का है दोस्तों। ये इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम बिना फोन को टच किए कंप्यूटर से ही अपने स्क्रीन को कनेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। 90% लगभग हो गया है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो गया है, बस 5% रह गया है। हाँ, तो दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो स्क्रीन है फ़ोन की वो पूरी तरह कास्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही काम का है। आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो सिंपली कास्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने फ़ोन को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। दोस्तों, ये था बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका जिससे आप किसी भी फ़ोन की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कास्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।